Hi guys, my today's topic is aircraft fuel system. The primary function of aircraft fuel system is to supply uninterrupted flow of clean fuel from tank to the engine. The secondary function of aircraft fuel system is that fuel must be available under all condition of engine power, altitude, attitude and during all approved flight manuals. Fuel systems are generally classified into two types, gravity feed fuel system and fuel pump system. In high wing airplane configuration, we prefer gravity feed fuel system, and in low wing configuration, we prefer fuel pump system. In high wing airplane configuration, where fuel tanks are generally located above the carburetor, so their fuel is supplied with the help of gravity forces. And in low wing configuration, the fuel tanks are located generally below the carburetor, so fuel must be supplied with the help of some pumps. The pump generally preferred are electrically driven pump, or known as booster pump or auxiliary pump, and second one is engine driven pump. Now if we talk about booster pump generally provide a reliable to the fuel system, means it added reliability to the fuel system. Abhi particularly ग्रेविटी फीड फ्यूल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी फीड फ्यूल सिस्टम में आप देख सकते हैं दो टैंक हैं, लेफ्ट टैंक और राइट टैंक। यहाँ पे वेंट प्रोवाइड किया है आउटसाइड टू द एटमॉस्फेयर टू मेंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द टैंक। नाउ फ्यूल इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम बोथ द टैंक टू द सिलेक्टर वाल्व। नाउ सिलेक्टर वाल्व विल शो फोर पोजिशन, लेफ्ट, राइट, बोथ और ऑफ। लेफ्ट indicate the operation of only left tank, right selector valve indicate the operation of right tank only, and if we select both condition, in this condition the fuel will be supplied from both the fuel tank to the carburetor, and under off condition there won't be any supply of fuel from any of the tank. नाउ सिलेक्टर वाल्व के केस में अगर फ्यूल प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है और इस समय टैंक कंटिन्यूसली ऑपरेट है, तो वहाँ पे एयर आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर देयर विल बी अ चांसेस ऑफ गेटिंग वेपर लॉक। वेपर लॉक जनरली अकर हो जाता है, और वेपर लॉक की वजह से क्या है, इंजन ऑपरेशन खराब हो जाएगा और it will be difficult to restart the engine. अब बात करते हैं स्ट्रेनर की। स्ट्रेनर का जनरली क्या है, वो मॉइस्चर कंटेंट को एलिमिनेट करता है और वाटर कंटेमिनेंट को एलिमिनेट करता है। वाटर कंटेमिनेंट जनरली हैजार्डस माना जाता है एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम में। अगर मैं कोल्ड कंडीशन की बात करूं, तो वाटर वहां पे फ्रीज हो जाएगा और ब्लॉक कर देगा फ्यूल लाइंस को, और अंडर वार्म कंडीशन यानी कि वार्म वेदर में ये वाटर वेपराइज होकर कार्बोरेटर में चला जाएगा, जो कि इंजन में ऑपरेशन को डैमेज करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट है प्राइमर। प्राइमर जनरली क्या है, कोल्ड वेदर में प्रेफर किया जाता है, जहाँ पर इंजन स्टार्ट डिफ़िकल्ट होता है। तो प्राइमर का काम क्या रहता है, ये फ्यूल को टैंक से लेकर वेपराइज फॉर्म में पर्टिकुलर सिलेंडर में सप्लाई देता है। सो वी कैन से द प्राइमर यूज टू ड्रॉ फ्यूल फ्रॉम द टैंक टू वेपराइज इट डायरेक्टली इनटू द सिलेंडर प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ इंजन। दिस इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल ड्यूरिंग कोल्ड वेदर व्हेन इंजन आर हार्ड टू स्टार्ट बिकॉज देयर इज नॉट इनफ हीट अवेलेबल टू वेपराइज द फ्यूल इन द कार्बोरेटर। और एक चीज़, अगर अपन प्राइमर को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में प्राइमर शुड बी लॉक्ड। अदरवाइज अगर फ्लाइट ड्यूरिंग फ्लाइट ऑपरेशन में अगर ये प्राइमर का नॉब खुला रह गया, तो वाइब्रेशन की वजह से ये नॉब फ्री टू मूव होगा और उस वजह से एक्सेसिवली रिच मिक्सचर बना देगा, उस वजह से इंजन का ऑपरेशन फुल्ली डैमेज हो जाएगा। ये था प्राइमर का काम। मैं कुछ और डायग्राम है मेरे पास,
ये है हमारा फ्यूल पंप सिस्टम। फ्यूल पंप सिस्टम में आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक का लोकेशन कार्बोरेटर के नीचे है। तो यहाँ पे फ्यूल जो सप्लाई होगा फ्यूल टैंक से वो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पंप्स होगा। ये इंजन ड्रिवन पंप है और ये ऑक्सिलरी पंप है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप है और बूस्टर पंप है। मैंने बताया बूस्टर पंप रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्यूल सिस्टम को। यहाँ स्ट्रेनर का सेम काम है वाटर कॉन्टेमिनेंट्स और मॉइस्चर कंटेंट को एलिमिनेट करना। प्राइमर का यहाँ पर सेम काम है और कार्बोरेटर हमारा सेम अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट टू टाइप्स के कार्बोरेटर बेस्ड ऑन एयर डायरेक्शन प्रेफर किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रॉस फीड वॉल्व की। क्रॉस फील्ड वॉल्व के लिए आई एम हैविंग वन डायग्राम। ये क्रॉस फीड वॉल्व जनरली कब यूज़ होती है? क्रॉस फीड वॉल्व का जनरली क्या काम है? अगर हमारे पास ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे एक इंजन फेल हो गया। अब एक इंजन फेल हो गया तो हमारा टास्क क्या रहेगा? दोनों टैंक से फ्यूल लेके सप्लाई देना उस पर्टिकुलर इंजन को, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन में भी हमारा एयरक्राफ्ट प्रॉपर ऑपरेशन नहीं कर पाता। मतलब फ्यूल टैंक लेफ्ट और राइट टैंक में जो फ्यूल अवेलेबल है हमारा वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इस केस में क्रॉस फीड वॉल्व हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। दूसरा केस, अगर एक टैंक यानी कि राइट टैंक में फ्यूल ज़्यादा है और लेफ्ट टैंक में फ्यूल कम है, तो उस केस में भी क्रॉस फीड वॉल्व की मदद से हम जिस टैंक में फ्यूल ज़्यादा है वहाँ से फ्यूल को लेके दूसरे टैंक में जहाँ कम है वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, ताकि बैलेंस अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रेजेंट हो दोनों साइड में। ये हमारा क्रॉस फीड वॉल्व का जनरल काम रहता है। मतलब ये सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट टैंक को, और अंडर सर्टेन कंडीशंस ये इमरजेंसी सोर्स का काम करता है, जहाँ पे हमें फ्यूल लेवल को मेंटेन करके चलना होता है। उसके बाद मैं सिलेक्टर वॉल्व का आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सिलेक्टर वॉल्व के लिए है। ये लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है, ये राइट इंडिकेट कर रहा है, ये बोथ इंडिकेट कर रहा है और ये ऑफ कंडीशन इंडिकेट कर रहा है। इसे प्लेकार्ड बोलते हैं। ये दोनों के डायग्राम को कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं ग्रेविटी फीड फ्यूल सिस्टम का और फ्यूल पंप सिस्टम का। ये मैंने ग्रेविटी फीड फ्यूल सिस्टम के बारे में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बताए। ये आया अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये फ्यूल ग्रेड्स को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूल ग्रेड्स को इंडिकेट कैसे कर रहा है? यहाँ पे एफ गैस 80, एफ गैस 100 और एफ गैस 100 LL, ये तीनों कैटेगरी ऑफ फ्यूल रेसिप्रोकेटिंग इंजन में यूज़ होती हैं। यहाँ पे एफ गैस मतलब एविएशन गैसोलिन है, और 80, 100 एंड 100 LL ये सब ग्रेड्स बता रहे हैं। तो लो ग्रेड फ्यूल विल बी यूज इन लो कंप्रेशन इंजन, हाई ग्रेड फ्यूल विल बी यूज इन हाई कंप्रेशन इंजन। बिकॉज अगर लो कंप्रेशन इंजन में हम लो कंप्रेशन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, मतलब लो ग्रेड फ्यूल हम लो कंप्रेशन इंजन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल इग्निशन विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर ओनली, और हाई कंप्रेशन इंजन में हाई ग्रेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि फ्यूल इग्निशन विल टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर ओनली। और 100 LL, LL मतलब लो लेड कंटेंट। यहाँ पे कलर जो दिए हुए हैं, एफ गैस 80 का रेड रहेगा, एफ गैस 100 का ग्रीन रहेगा और एफ गैस 100 LL का ब्लू कलर रहेगा। अब इनके नोटिफिकेशंस क्या है कि जो अगर रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात करें तो वाइट लेटर से इनकी नेमिंग की जाती है और रेड बैकग्राउंड दिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ जेट इंजन के लिए, तो जेट इंजन का फ्यूल का कलर हमारा कलरलेस और स्ट्रॉ रहेगा, और इसका मार्किंग क्या की जाती है वाइट कलर से ब्लैक बैकग्राउंड पे। तो ये जेट इंजन और रेसिप्रोकेटिंग इंजन के फ्यूल क्लासिफिकेशन के बारे में या फ्यूल ग्रेड्स के बारे में। और मैं फ्यूल पंप के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि फ्यूल पंप से जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं वो जनरली हम फ्यूल जनरली कूलिंग पर्पस के
के लिए भी यूज़ किया जाता है, टू कूल IDG यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर एंड इंजन ऑयल को, उन दोनों को कूल करने के लिए हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर टाइम बिंग दिस मच ओनली, थैंक यू।